Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 10, chapter number 14. And the name of the chapter 14 is Statistics. So in this lecture, I'm going to start the exercise 14.3, which is based on the concept of to find out the median. It's very easy. We already did so many questions based on the median, but according to level of class 9. Now I'm going to take the next level, how to find out the median of different situations like ungrouped data and grouping data, how you can find out the median. So all this concept related to the median we will discuss in this lecture. So I hope you will enjoy the complete video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So this video is going to be more and more interesting, and it is really going to be more lengthy, because I am going to take each and every question. So don't worry, do continue with me. So I am going to take class 10 median topic exercise 14.3. Look at the question number 1. ये कहता है कि monthly consumption कितनी है और number of consumer जो उनको consume करते हैं वो ये है. इसका मतलब और आपसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, पूछ भी सकते हैं आप. क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको तीन क्वेश्चन दे दिए. कहता है कि मीन भी फाइंड आउट करो, जो आप फाइंड आउट कर चुके हो, मोड भी फाइंड आउट करो, वो भी फाइंड आउट कर चुके हो, और मीडियन भी फाइंड आउट करो, और तीनों के रिजल्ट को कंपेयर करो. तो क्वेश्चन इज वेरी लेंथी. तो ये एक्सरसाइज आपके लिए एक रिविजन भी हो जाएगी. इसको मीन नहीं आया वो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ताकि उसको मीन समझ आ जाए. तो सबसे पहले इंटरवल दिया गया है. तो पहला स्टेप क्या होता है इंटरवल के क्वेश्चंस में, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना. और आपको पता है क्लास मार्क्स कैसे करते हैं, दोनों इंटरवल को ऐड करके डिवाइड बाय 2. यस, वेरी गुड. तो सबसे पहले हम टेबल किसकी बना रहे हैं यहाँ पर, क्लास मार्क्स की. और आपको पता है क्लास मार्क्स को किससे डिनोट करते हैं, एक्स आई से. तो एक्स आई कैसे निकालते, दोनों को ऐड कर दो. अब ये वैल्यू तो टिपिकल नजर आ रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही. करिए जरा, 65 प्लस में 85 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 80 और 60 140 और 10 150, 150 बाय 2 75. नहीं, वैल्यू तो टिपिकल नहीं आई, 75. सेकंड वैल्यू देखते हैं, 85 और 105 190, और 190 का हाफ कितना हो गया, 95. यस, ये तो बिल्कुल इजी वैल्यू है. कितने का गैप आ गया, 25 का. अगली वैल्यू क्या आएगी, 90 में 20 ऐड कर दो 105, इसमें 20 ऐड कर दो 135, इसमें ऐड कर दीजिए 155, तो ये 175, तो ये कितना बन गया 195. इजी वैल्यू थी, आपको दिखाई दे रहा है 65 से आगे 75, 85 से 95, 100 से 1, फिर 25 35, 40 से 55, 65 से 75, 85 से 95. इसका मतलब सारी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है. यस. उसके बाद स्टेप क्या था, यूआई निकालना. उसके लिए एज्यूम मीन मानते थे. तो मिड वैल्यू देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है. 7 का हाफ कितना हो गया, मतलब मिड वैल्यू हो गई 4. 7 प्लस 1 8 डिवाइड बाय 2 फोर्थ टर्म. इसका मतलब मिडल वैल्यू कौन सी आ गई अपनी, 130. आगे आपको सोल्व करना पता है, मैं स्कोर अप कर देता हूं यहां से. अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो मार्किंग करिए उसके सामने जीरो, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव. हम किसकी बात कर रहे हैं, यूआई. यूआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच. अब करिए, ये वैल्यू क्या हो गई, जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और ये हो गई वन टू. उसके बाद टेबल एफ आई यू आई करो सर. एफ आई यू आई, एफ आई कैसे निकालते हो, जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आती है, मतलब सेकंड कॉलम. सेकंड कॉलम हमेशा आपका क्या होता है, एफ आई होता है. करो, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 13, और ये 0, 14 इंटू 1 14, 8 into 2 16, और 4 into 3 12. अब निकल जाएगा, लेकिन ये वैल्यू नेगेटिव के इसको अलग से ऐड करो,
12 और 13, 25, 35 माइनस के 35, ये कितना हो गया 14 और 16, 30 और 42, तो ओवरऑल कितना रिजल्ट आ गया प्लस 7। फॉर्मूला आपको याद है मीन का, क्या होता है मीन का, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui डिवाइडेड बाय fi इनटू h, सारी वैल्यू पुट करो, a a जो एज्यूम मीन मानते वही होता है, तो a कितना हो गया आपका 135 प्लस fi ui कितना है आपका 7 है, fi का सम fi ये रहा, इसका सम करिए, करो ऐड इसको, 5 और 4 9 और 22, 42, 46, 56, 64, 68। H इंटरवल कितना है इसमें 20 का, 20 से करिए, कट करना है इसको, कट करो, 2 की टेबल पे कट कर दो, ये 10 हो गया और ये 2, 3, 6 और 34, 2 की टेबल पे कट कर दो, ये 5 हो गया और ये 17 हो गया, और तो नहीं करता, 75 का कितना हो गया 35 और डिवाइडेड बाय 17, तो 17 2 34 10, ना जाने के 0.0, फिर 0, फिर किस पे करते 5 पे, और अप्रोक्सीमेट करना है तो आप इसको अप्रोक्सी कर दो 6, तो 2.06, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई आपकी 135 प्लस 2.06, तो ये आपका आंसर आ गया 137.06। सो प्लीज मेक अ नोट, कितना आंसर आया 137.06, दिखाई नहीं दे रहा आपको, यहाँ लिख देता हूँ मैं 137 पॉइंट, इसको ऐड करेंगे कितना बन जाएगा ये आपका 137.06। प्लीज मेक अ नोट, और मैं चेक करता हूँ उसका आंसर क्या आया है, प्लीज मेक अ नोट, यस आंसर इज करेक्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं मोड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 14.2 में, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मार्क करो, इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है 20, यस, तो 20 से फिर 3 का ग्रुप बना लो, 3 का ग्रुप बन गया, क्या नाम लिख देते हैं इसकी F0, F1 और F2, ये नंबरिंग हो गई। फिर हम देखते हैं जो हमने मार्क करा है उसके बिल्कुल सामने, देखिए इसके सामने कौन सा इंटरवल है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या हुई, L कितना हुआ 125। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला क्या होता है मोड का, नहीं याद है तो दोबारा देख लो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। L आपको पता है लोअर लिमिट कितनी है 125 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 13 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 माइनस 13 माइनस 14, और H इंटरवल कितना दिखाई दे रहा है आपको 85 में से 65 माइनस करेंगे 20, तो H हो गया 20। सॉल्व करें इसको, 125 प्लस ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 27 इंटू 20, सो 125 प्लस 7 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 13 इंटू 20, इसका मतलब ये 7 इंटू 20 140 हो गया, और 140 को डिवाइड करना है 13 से, 13 10 पे 0 पॉइंट आप किस पे जाएगा 0 91, कितना आ गया 90, अप्रोक्सीमेट होता है 10.77 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये 125 प्लस 10.77, इसका मतलब 135.77, ये आपका क्या आ गया मोड। कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी है, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब स्टार्ट कर रहे हैं जो मेन टॉपिक है वो है मीडियन।
अब मीडियम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले जब आपको FI दी जाती है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब फ्रीक्वेंसी FI, तो FI से आपको एक नई टेबल बनानी होती है जिसको कहते हैं CF। CF का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना रहे हैं किसकी, CF, और CF का मतलब मैं लिखवा देता हूँ आपको, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब कंबाइंड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो आप इस टेबल को। अब कैसे निकालते हैं, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले क्या करना है, आप जो से स्टेप पे फ्रीक्वेंसी है उसको एंटर करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करके आगे चलेंगे। जैसे ही मैं कहता हूं फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 4, इसको एंटर करके अब जैसे आप आगे स्टेप में जाओगे तो अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करके जाओगे तो अब ये 4 है, 4 प्लस 5 कितना हो गया 9। अब 9 प्लस 13 कितना हो गया 22, 22 प्लस 20 कितना हो गया 42, 42 प्लस 14 कितना हो गया 56, 56 प्लस 8 कितना हो गया 64, 64 प्लस 4 कितना हो गया 68। स्टेप समझाया, बिल्कुल इजी है। पहले को एसडी रखना है, इसको अगली फ्रीक्वेंसी से ऐड करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो 68 आया ये कुछ और नहीं आया, ये आपका FI का सम आया। यदि आप इस FI को टोटल करते हो, फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हो, तो ये भी कितना मिलेगा आपको 68 ही मिलेगा। तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब आपने टोटल सही करा है। ये वैल्यू अलग आ गई तो इसका मतलब आपने क्या करा है, गलत करा है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो टोटल FI होता है, FI को रिप्रेजेंट करने के लिए एक हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल L। तो याद रखिए कैपिटल FI जो होता है इसको आप क्या दिखा सकते हो, N भी लिख सकते हो, ठीक है। तो बुक्स में कई जगह N भी लिखा होता है, यदि आपको N से समझ आता है तो N से समझिए, FI के टोटल से आपको बेटर लगता है तो FI के टोटल से समझ सकते हो। सो प्लीज मेक अ नोट। अब अभी हम सबसे पहले क्या करना है इसको समझिएगा, पहला स्टेप, स्टेप में याद रखना आपको स्टेप 1, जो आपका टोटल होता है ये FI, इसका हाफ कर दीजिए, टोटल FI का हाफ। यहाँ टोटल FI कितना है आपका 68, तो 68 का हाफ करिए कितना आ गया आपका 34। यहां तक समझ आ गया आपको। स्टेप 2, अब आपको सर्च करनी है। स्टेप 2 में क्या करना है, इन स्टेप को नोट करते जाइएगा ताकि फिर आपको याद रहे कि कैसे क्या करना है। स्टेप 2 में आपको सर्च करना होता है, सर्च जस्ट अपर वैल्यू, अपर वैल्यू ऑफ किससे, जो आपकी वैल्यू आई है उससे, ये 34 आई है आपकी डिवाइड करके, तो इससे जस्ट अपर, जस्ट अपर का मतलब होता है ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं, उससे अगली वैल्यू जो भी आपकी टेबल में मैच करती है, वैल्यू ऑफ 34 इन किस में, कॉलम ऑफ CF, याद रखना है CF में सर्च करना है, FI में नहीं। अब देखिए यहां पे 34 से बड़ी वैल्यू आपको कहां दिखाई दे रही है, ये क्योंकि 34 से बड़ी 42 है, तो इसको मार्क कर दो रेक्टेंगल से, तो जो भी आपका ये डिवाइड करके हाफ आएगा उससे जस्ट अपर वैल्यू आपको मार्क करनी है, किसमें मार्क करनी है आपको, इस टेबल 40। इतना समझ आ गया आपको, ये था आपका स्टेप 2। अब आपको स्टेप 3 यूज करना है। स्टेप 3 में क्या यूज करना है, सबसे पहले इसको समझिएगा। स्टेप 3, अब आपको मार्क करना है, क्या मार्क करना है, एक तो CF मार्क करना है और एक F मार्क करना है, ये दो चीज आपको मार्क करनी है। तो मैं इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। CF क्या होता है, जो आपने ये रेक्टेंगल लगाई है ना, इससे ऊपर वाली वैल्यू, ये आपकी CF होती है। तो मैं इसको सर्कल से करता हूं ताकि आपको याद रहेगा इससे करना है, सर्कल से
तो आप भी कोशिश करिए उसको सर्कल से ही रिप्रेजेंट करिए ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन याद रहे कि क्या यूज करना है। और जो इसके बिल्कुल फ्रंट में है, और फ्रंट में क्या फ्रीक्वेंसी F5, उसको मार्क करता हूं। यहां पे क्या दिखाई दे रही है आपको 20, तो ये 20 क्या है आपका F है। इतना समझाया? दो जब आपने अपर वैल्यू करी है उसको रेक्टेंगल में डालिए, उससे जो अपर है वो आपका CF काउंट होता है, और उसके बिल्कुल जो सामने जो F है वो आपका F काउंट। इसका मतलब आपके पास CF मिल गया, आपको कितना मिल गया, CF हो गया आपका 22, और F की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। इतना समझ आया? फिर एक चीज और यूज करनी है, जो आपने ये रेक्टेंगल करी है जैसे ही मोड में करते थे, उसके सामने वाला जो इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट, यहाँ भी वही स्टेप करना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके सामने आपको इंटरवल कौन सा दिखाई दे रहा है, इसके सामने ये इंटरवल ये दिखाई दे रहा है, तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है 125। इसका मतलब एल की वैल्यू भी मिल गई आपकी, एल की वैल्यू कितनी आ गई 125। तो यहाँ पे आपको तीन वैल्यू मिल गई, एक L की वैल्यू 125, CF की वैल्यू 22, F की वैल्यू 20। बस ये चीज वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और मीडियन आपका सॉल्व हो गया। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, अब इनका यूज करना है टू फाइंड आउट द मीडियन। अब देखिए बिल्कुल आसान है मीडियन का फॉर्मूला, आप देखिए क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस समेशन ऑफ F5 डिवाइड बाई 2 माइनस में CF डिवाइडेड बाई F और इनटू में होता है H। यहां तक समझ आ गया आपको? अब कहीं जगह ये जो F5 है, F5 को मैंने आपको बताया, F5 को किससे लिखते हैं हम, कैपिटल N से। तो यहाँ पे कहीं जगह लिखा पाएगा N/2, तो आपको यदि N से पजल होते हो तो FI का टोटल ही समझिए। अब देखिए जस्ट सारी वैल्यूज पुट करनी है और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। अब सबसे पहले पुट करिए L, L आपको पता है कितना आया था 125, तो L की वैल्यू पुट करिए आपने 125 प्लस FI डिवाइडेड बाई 2, FI डिवाइडेड बाई 2 करा कितना आया आपका 34, इसको 34 लिखिए, माइनस में CF, CF कितना है आपका 22, 22 पुट करिए डिवाइडेड बाय F, F पे आपका निकल चुका कितना है 20 है, इनटू H, इंटरवल कितना था आपका 20 का डिवाइड बाय 20, यही इंटरवल है। इंटरवल 20 का ही था। अब सॉल्व करना है, बिल्कुल करिए स्टार्ट। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये 125 और इसको माइनस कर दो, ये कितना हो गया 12 हो गया, तो ये तो डायरेक्टली आ गया आपका 137। तो मीडियन कितना आ गया 137। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आंसर क्या है चेक करते हैं एक बार इसका आंसर। यस आंसर इज करेक्ट, आंसर है 137। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कहा है कि क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ये दी गई है, और साथ में एक टर्म और भी गिवन है, इसमें क्या गिवन है, और मीडियन भी दिया हुआ है आपको, मीडियन इज 28.5। जैसे आप करते आ रहे हो ना, आप अपने जो स्टेप है उसको मत छोड़ो, उसको यूज करते जाइए और आप देखिएगा कितनी इजीली आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा पजल करते ना, तो उससे डिफरेंट नहीं है कुछ, बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन होता है, बिल्कुल इजी है। आप देखिए कैसे, सबसे पहले मीडियन दे दी,
तो पहले तो आप मीडियन का फॉर्मूला ही लिख लो ताकि आपको याद रहेगा कि क्या क्या चीजें निकालनी है। तो पहले मैं मीडियन का फॉर्मूला ही लिख देता हूँ साइड में कि आपको क्या चीज गिवन है, कैसे इसको सोल्व करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस कैपिटल एफ फाइव डिवाइडेड बाय टू माइनस में सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच, ये चीज होती है। अब जो वैल्यू आपको गिवन है पहले उसको ही पुट करो। यहाँ पे मीडियन ऑलरेडी गिवन है तो जो चीज गिवन है उसको तो रखो पहले, 28.5 प्लस इज इक्वल टू एल। अब आ गया मेन प्रॉब्लम, एल फाइंड आउट करना। अब एल क्या होते हैं, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट के लिए क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले सी एफ बनाना पड़ता है ना, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब पहले टेबल बनेगी, तो एक कॉलम बनाएंगे टेबल का सी एफ। सी एफ आपको निकालना समझ अभी आ गया होगा, नहीं भी आया तो एक बार दोबारा देखिए। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी है उसको एच डिस, फिर उसके जो नेक्स्ट वाली है उनको एड करके करते हैं। तो ये फाइव प्लस एक्स, आपका ये सारे स्टूडेंट क्या करते हैं इसको 5x लिख देते हैं, नहीं क्योंकि 5 एक नंबर है और x एक वेरिएबल है, तो ये नंबर और वेरिएबल ऐड नहीं हो सकते, तो इसको आपको x plus 5 ही लिखना होगा। अब नेक्स्ट वैल्यू कितनी है, अब देखो 5 नंबर है 20 भी नंबर है, तो नंबर नंबर से ऐड होता है, वेरिएबल वेरिएबल से, तो 5 plus 20 कितना हो गया, ये 25 हो गया, और प्लस x एज इट इज आएगा। ऐसे ही यहां नेक्स्ट करिए, 25 प्लस 15 कितना हो गया 40 प्लस x, इसको ऐड करिए, यहाँ पे वेरिएबल y एक नया वेरिएबल आ गया, तो इसको एलसीएम लिखना पड़ेगा आपको 40 प्लस x प्लस y। फिर नेक्स्ट ऐड करिए, 40 प्लस 5 कितना हो गया 45 प्लस x प्लस y। अब मैंने आपको बताया था कि आपको चेक कैसे करना है कि आपकी ये वैल्यू सही हुई है या नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम आती है, सेम होती है ना, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये किसके इक्वल है, आपका 60 के ही इक्वल है। इतना समझाया, तो पहले क्वेश्चन में हम वेरीफाई करते थे कि टोटल सही आया नहीं, अब टोटल में इसने दो वेरिएबल कर दिए, इसका मतलब टोटल तो इक्वल होना ही चाहिए, इसका मतलब ये टोटल इक्वल है, इसका मतलब आप इन दोनों को यूज करिए। अब हम यूज करते हैं, अब 45 प्लस x प्लस 5 किसके इक्वल हो गया 60 के, तो मैं इसको 60 के इक्वल पुट कर दूं, यहां से एक इक्वेशन निकल जाएगी आपकी x प्लस y, 45 को राइट साइड में ले जाइए, 60-45 इज इक्वल टू कितना आ गया 15, इसका मतलब आपके पास एक इक्वेशन आ गई x प्लस y, जहां कैप्स में लिखा हुआ था उसको थोड़ा सा प्रॉपर वे से लिखिएगा कि x प्लस y, कैपिटल में लेटर यूज कर रहे तो कैपिटल में लिखिए x प्लस y, किसके इक्वल आ गया आपका 15। तो यहां से एक वैल्यू निकल गई, अब आपको पता है उसका हाफ करते थे, अब आपको ये भी पता है इसका टोटल दे रखा है आपको 60 का हाफ क्या हो गया 30, अब 30 से अपर वैल्यू तो आप इसमें तो पता लगा नहीं सकते क्योंकि तो इसमें तो वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू 1 2 कुछ भी हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, जो मीडियन दी जाती है ना मीडियन से आपका क्लास इंटरवल सेलेक्ट होगा। कैसे, अब ये देखिए 28.5 ये वैल्यू इस इंटरवल में कहां पे लाइक करती है, यहीं पे आएगी, 20 से 30 के बीच में क्या आएगा आपका 28.5, इस चीज को याद रखना। जब आपको मीडियन गिवन हो गई तो आपको सीएफ वगैरह सेलेक्ट ऐसे नहीं करना हाफ करके, क्योंकि इसका हाफ करके पॉसिबल नहीं है फाइंड आउट करना सीएफ, तो इसलिए ये वैल्यू देखिए 28.5 यहां पे लाइक करती है ना, इसका मतलब आपका इंटरवल ये हो गया। और यहां से क्या मिलती है आपको लोअर लिमिट एल, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 20, इतना समझ आ गया, तो एल की वैल्यू आपकी निकल गई 20 प्लस एफ आई का टोटल आपको पता है कितना है 60 का हाफ कितना हो गया 30, तो यहां मैं लिख भी देता हूं 60 डिवाइडेड बाई 2 माइनस में सी एफ, आपको पता है जो सा ये इंटरवल सेलेक्ट करते हैं उसके सामने वाला ही क्या होता है रेक्टेंगल में करना पड़ता है, तो इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है आपको ये रेक्टेंगल में हो गया, इससे ऊपर क्या होता है सी एफ, तो इससे ऊपर ये बन गया आपका सी एफ, और इसके बिल्कुल जो सामने होता है वो क्या होता है एफ,
तो ये बन गया आपका, दोनों वैल्यू निकल गई, दोनों को पुट करो, माइनस में सी एफ करना था, सी एफ आपका आ गया 5 + x। ब्रैकेट का यूज जरूर करिए क्योंकि नेगेटिव है, साइन चेंज हो जाएगा अदरवाइज गलती हो जाएगी। डिवाइडेड बाई एफ, एफ कितना आया आपका 20, और एच, एच कितना आया, इंटरवल कितना है 10 का। अब मतलब सेकेंड इक्वेशन यहां से मिलेगी आपकी वैल्यू, सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले 20 को मैं इधर ले आता हूं, तो क्या बन गया जी 28.5 माइनस के 20 इज इक्वल टू 60, में से 2 माइनस करेंगे कितना आ गया 30। अब ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का 5 माइनस का x, और इसको कट कर दो 10 से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, क्या वैल्यू रही ओनली 2। अब सॉल्व करना बहुत इजी है, 28.5 में से 20 माइनस करो कितना आ गया आपका 8.5। अब 30 में से 5 माइनस करेंगे 25 माइनस x डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 2 इंटू 8.5 कितना हो गया 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x। x की वैल्यू निकालनी है, माइनस x है, इसको उधर ले आओ तो ये प्लस का x बन गया, 17 को उधर ले जाओ तो 25 माइनस 17 कितना हो गया 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो, यहां से सोल्व करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15 माइनस एक्स, तो 15 में से 8 माइनस कर दो कितना आ गया 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 और x की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे आपको क्या करना है 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कई और क्वेश्चन भी है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको इस क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इजीली निकाल पाओगे, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना इस क्वेश्चन को गलत करते ही करते हैं। अब गलत करने का इतना बड़ा क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, लेकिन आप रट्टाफिकेशन पे समझ के नहीं करते, ये समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज टफ लगता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, बिलो की टर्म्स में दे दिया, आपको बिलो पता है ना, बिलो का मतलब था कम। इसका मतलब ये दिया गया है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, उन्होंने पॉलिसी की हुई है, तो ये दिया हुआ है एज कि कितने पीपल से, उनकी एज क्या है, यदि 20 ईयर से कम है उन लोगों की पॉलिसी होल्डर कितने हैं 2, 25 जो एज है उससे कम वाले पॉलिसी होल्डर कितने हैं 6, ऐसे एक टेबल बनाई गई है। तो आप आपको क्या पता लगाना है कि यहाँ पे ये चीज क्या है, अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, आपको पता है जो यदि वैल्यू कभी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है तो एक सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक है कि वो क्या होती है मीडियन के केस में, वो सी एफ होती है बिल्कुल। तो जब भी आपको इस टाइप से दिखाई देती है वैल्यूज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब वहां पे आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन, वहां पे क्या गिवन है सी एफ गिवन है। तो सी एफ से आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक बिलो होता है एक अबव होता है, तो दोनों ही केस में क्या दी जाती है सी एफ, एक स्टार्टिंग क्या होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है और एक क्या होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यही चेंज है बिलो और का अबव। लेकिन होता क्या है उससे आपको एफआई बनाना होता है। अब बनाने के लिए देखिए ध्यान से समझिए, बिल्कुल इजी है, हम यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं एफआई। अब इसको ध्यान से समझिए, किसने कहा है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको इंश्योरेंस करती है, पॉलिसी करती है किस एज का, उन्होंने एक लिमिट दिया 18 साल से 60 साल के बीच में, इसका मतलब यहाँ बिलो 20 है, तो यदि 17 साल का कोई स्टूडेंट होगा तो इसका इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं कर रहा, वो 18 से किसकी कर रही है बड़ी और 60 तक कर रही है। इसका मतलब बिलो 20 का मतलब कितना हो गया 18 से 20, और बिलो है 20 काउंट नहीं है, 20 से कम कम और 18 से ज्यादा, वो कितने पीपल्स हैं जिनको पॉलिसी मिली हुई है 2। यहां तक समझ आ गई, तो मैं लिख सकता हूं, तो यहां पे मैं इस बिलो 20 है इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि किस चीज में चेंज हुआ। अब बिलो 20 का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं एफआईबी की बात कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लास इंटरवल की। अब क्वेश्चन में ये दोनों बिल्कुल साथ साथ थे,
लेकिन मैंने इसको अलग अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि जब इसको अलग अलग लेके चलोगे ना तो बहुत इजी तरीके से सोल्व कर सकते हो। आप भी ट्राई करिए ऐसे, इसको लिखो मत साथ साथ मत लिखो, इसको अलग अलग लिखो, बीच में गैप बना दो। तो सबसे पहला कॉलम क्या रहेगा हमारा, क्लास इंटरवल का। अब क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं, 18 से बड़ा था और 20 से कम, इसका मतलब ये हो गया 18 से कितना 20। अब अगली लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, 20 से और बिलो 25 मतलब 25 तक, फिर अगली 25 से कहां तक, बिलो 30 इसका मतलब 30। अब ये बना सकते हो इसको, तो प्लीज कंटिन्यू करिए इसको। ये कितना बन जाएगा 30 से 35, ये 35 से 40 से 45 से 50 से 55 और 55 से 60। तो जब भी क्वेश्चन में बिलो या अबव आए तो सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाएंगे। क्लास इंटरवल बन गया आपका, उसके बाद FI बनाना है। अब FI देखिए कैसे, ये कहता है 20 से कम मतलब 18 से 20 कितने पीपल्स है, 2। आपने 2 लिख दिया, ये पहला ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, ये कहता है कि अब आपको पता लगा, इसने कहा कि बिलो 25 से कम कितने लोग हैं जिनकी पॉलिसी है, वो कितने है टोटल है 6। लेकिन आपको पता है, अब हम बात क्या कर रहे हैं, 25 से कम की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 20 से लेकर 25, तो टोटल है 6 और 20 से कम कितने हैं 2, तो 2 तो वो हटाने पड़ेंगे। तो जो उनकी एज 20 से 25 के बीच में है वो पॉलिसी होल्डर कितने रह गए, ओनली 4 रह गए, क्योंकि दो कौन से जिनकी एज तो 20 से कम थी, वो भी तो है ना। तो जो पीपल 20 से कम है वो नेचुरली 25 से भी कम होंगे, इतना समझ आया। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। वहां पहले ऐड करते थे CX बनाने के लिए, आप FI को ऐड करते थे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। अब रूल वही रहेगा, पहले 20 रख दिया, अब माइनस करिए, 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4। इतना समझ आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, अब पिछली वैल्यू आपको सब्ट्रैक्ट करनी है। अब 25 से 30 के बीच में बात करते हैं, टोटल कितने है 25, तो 25 में से माइनस करिए, पहले आपने क्या करा 6 माइनस 2, अगली बार क्या माइनस कर रहे हो 24 माइनस 6 कितना आ गया 18, फिर माइनस करिए 25 वो 45 में से 24 माइनस करेंगे कितना आएगा 21, फिर माइनस करिए 78 में से 45 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 माइनस 5 3 और 7 माइनस 4 3 33, फिर 89 में से 78 माइनस करिए कितना आ गया 11, 92 में से 89 माइनस करिए कितना आया 3, 98 में से 92 माइनस करिए कितना आया 6 और 100 में से 98 माइनस करिए कितना आया। इतना समझ आया आपको, जहां प्लस करते आए थे वहां क्या करना है माइनस। लॉजिक समझ आया कि जो 20 से कम थे वो दो पीपल थे, तो 25 से कम वाले पीपल 6 है, तो मैं रेंज की बात करता हूँ 20 से 25 के बीच में, तो 20 से कम वाले पीपल को हटाना पड़ेगा, तो दो पीपल थे, तो 6 में से 2 माइनस करा कितना आ गया 4। इस टाइप से क्या बना सकते हो आप, ये बना, समझ आया। पहली को एज इट इज लिखना है आपको, फिर पिछली माइनस 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18, 45 माइनस 24 21, इससे ऐसे माइनस करते गए, ये क्या बना लो आप FI। इतना समझ आया, सो प्लीज पॉज द वीडियो और कंसंट्रेट करिए 5 मिनट के लिए, उसके बाद वीडियो को ऑन करिए। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। अब यहां तक समझ आ गया, अब बिल्कुल आसान है क्योंकि FI भी है आपके पास, CF भी आ गया। रूल क्या था, सबसे पहला स्टेप जो FI है वो ये टोटल इक्वल सेम होता है, तो ये 100 है तो नेचुरली बात है FI का 100 भी यही होगा। तो फॉर्मूला लिखूं मैं डायरेक्ट, मीडियन का फॉर्मूला क्या था, आप डायरेक्ट मुझे बताना कि क्या क्या वैल्यूज आएगी। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस समेशन ऑफ FI डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाई एच, ये फॉर्मूला है।
तो पहले तो L, L के लिए क्या करना था, CF का ये जो FI होता है इसको डिवाइड बाय 2, FI कितना है आपका 100, आपको पता है FI कितना है 100, तो 100 का हाफ कितना हो गया 50, इससे अपर वैल्यू देखनी है आपको, अपर वैल्यू क्या है 50 से बड़ी 78, और 78 वाले बॉक्स को क्या करते हैं रेक्टेंगल में डालते हैं, तो इसको रेक्टेंगल में डाल रहा हूं, और रेक्टेंगल के सामने वाला देखिए कौन सा इंटरवल आता है, 78 से सामने वाला इंटरवल ये आ रहा है, तो इसमें आपको L मिल गया, L कितना आ गया 35, तो L की वैल्यू 35 में आप 35 पुट कर सकते हो, प्लस FI by 2, FI by 2 तो कितना आ गया आपका 50, माइनस अब क्या निकालना है CF, और CF का आपको पता है कैसे निकालते हैं, इससे ऊपर रेक्टेंगल करते हैं ना, सॉरी सर्कल करते हैं, इससे ऊपर सर्कल करा, तो ये क्या बन गया आपका CF, और इसके सामने भी करते हैं सर्कल, वो क्या होता है F, तो आपके पास CF कितना आ गया 45 और F कितना आ गया 33, एच आपको पता है ये कितना इंटरवल है इसमें 5 का, इतना समझ आ गया, अब तो सोल्व करना रह गया, सोल्व तो कर सकते हो आप, 35 प्लस 50 में से ये करें 5 डिवाइडेड बाय 33 इनटू 5, तो 5 5 से कितना हो गया 25, 25 को डिवाइड करिए 33 से, पहले ही 0 पॉइंट आ गया, किस पे जाएगा 7 पे, अप्रोक्सीमेट 0.7 ही आएगा, करके देख लीजिए, तो ये 35.0.7, तो आपका आंसर आ जाएगा 35.7, ये आपका आंसर आ गया, कितना इजी क्वेश्चन था, समझ आया, तो इस टाइप का क्वेश्चन बिलो और एवरेज आते हैं, तो इस टेबल की हेल्प से बनाएंगे तो कभी पजल नहीं होंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो 14.4 है वो भी इसी टाइप की है, तो इस टाइप से यदि क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन बन जाएंगे, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4th, अब देखिए लेंथ दिए गए हैं, लीव्स है, पत्ते हैं, उनकी लेंथ दी गई है, और नंबर ऑफ लीव्स कितने लीव्स है, मतलब 118 से लेकर 126 के बीच में जो mm में लेंथ दी गई है वो कितने लीव्स है 3, ऐसे आपको क्या कहते हैं फाइंड द मीडियन, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करने दिया इसने, ध्यान से देखिए क्या चेंज है, यस वेरी गुड, आपने सही कहा कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है, पिछले सारे क्वेश्चनों में क्या था कंटिन्यूस था लेकिन यहाँ इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन डोंट वरी आपको पता है कि कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं, गैप चेक करके, कितने का गैप है इसमें 1, तो उसका हाफ करते हैं और उसको लेफ्ट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं और राइट को राइट शिफ्ट करते हैं, कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो समझ आया आपको 126 है ये 127 है, तो इसमें गैप आया 1 का हाफ हो गया 0.5, तो लेफ्ट लिमिट को लेफ्ट शिफ्ट कर दो 0.5 और राइट लिमिट को राइट शिफ्ट कर दो 0.5, तो ये इंटरवल बन जाएगा, इससे बनाइए इसका इंटरवल, बिल्कुल इजी है, अब क्लास इंटरवल क्या बन गया, इसको 0.5 लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 117.5, इसको 0.5 राइट शिफ्ट करिए तो ये बन गया आपका 126.5, इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन गया 126.5, इसको राइट शिफ्ट करो तो ये कितना बन गया 135.5, अब देखिए ये दोनों वैल्यू क्या आ गई कंटिन्यूस आ गए, अब तो सारे बना सकते हो, बनाइए फटाफट, तो ये बन गया आपका 135.5, तो ये 144.5, ये हो गया आपका 144.5 से 153.5 से 162.5 से 171.5 से 180.5, अब तो मीडियन निकालना कितना इजी है, पहला स्टेप क्या था CF निकालना, तो बनाइए CF की हेडिंग बनाइए, अब तक तो हमने कई सारे क्वेश्चंस किए, तो अब CF फटाफट निकाल सकते हो, करिए स्टार्ट, सबसे पहले लिमिट एज इट इज इसको ऐड करो, अब वो एरो हेड लगाने का चक्कर नहीं है, अब डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, 3 प्लस 5 8,
8 plus 9, 17. 17 plus 1, 29. 29 plus 5, 34. 34 plus 4, 38. 38 plus 2, तो ये भी कितना होगा? 40 होगा. ये क्या है आपका? FY का टोटल. ठीक है, स्टेप वन क्या था? आपको अपने FY का क्या करना था? हाफ करना था. तो 40 का हाफ कितना हो गया? 20. और उससे क्या देखते हैं? अपर वैल्यू इन CF में. अब देखो इससे अपर वैल्यू क्या है? 20 से अपर वैल्यू तो 29 है. इसको क्या करते हैं? रेक्टेंगल. और इसके ऊपर वाले आपको क्या करते हैं? सर्कल. तो ये क्या बन गया आपका? CF. ये क्या बन गया आपका? F. और इसके सामने वाला इंटरवल, इस ये क्या बन गया आपका? L. तो सारी वैल्यू पता चलती. जस्ट पुट करिए इसको. फॉर्मूला भी याद है आपको, मीडियन का फॉर्मूला क्या था? L प्लस समेशन ऑफ FY डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF इन डिवाइड F इनटू H. L कितना आया आपका? L कितना आया? सॉरी, 144.5 प्लस FY डिवाइडेड बाय 2 कितना आया? 20 माइनस CF कितना आया? 17. F कितना आया? 12. और H इंटरवल कितना है इसमें? 6. कितने का इंटरवल हो गया? 8 का. 126 में से, सॉरी, यस 6 और 2, 8 का इंटरवल हो गया आपका यहाँ पे. और यहाँ पे करते हैं तो जस्ट वेट अ मिनट, आपका इंटरवल कितना है यहाँ पे? 5 और 3, 8, 8, 8. Wait a minute, just. Yes, तो इंटरवल कितने का है आपका? 126.5 में से 127.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 6 और ये हो गया 3. तो 6 और 3, 9. तो इंटरवल कितने का होगा? 9 का. सॉल्व करिए. 144.5 प्लस में 20 में से ये करा 3 इंटू 9 डिवाइड बाय 12. इसको कट कर दो, पॉइंट में आ जाएगा वैल्यू. 3 4 12, 9 बाय 4. और 4 को डिवाइड करेंगे, क्या वैल्यू आएगी आपकी? 144.5 प्लस 4 2 8 10 4 2 8, 2.25 के अप्रोक्स आएगी वैल्यू. इसको ऐड कर दो, ये कितना बन गया आपका? 146.75. I'm going to check the answer. आप भी नोट कर लीजिए, 146.75 भी आपका आंसर है. Yes, answer is correct. So please make a note. Now look at the board question number 5. ये दिया गया कुछ neon lamps होते हैं और 400 आपके पास neon lamps है. उनकी लाइफ टाइम, लाइफ टाइम का मतलब क्या है कि कोई बल्ब कितने दिन चलता है, वो लाइफ टाइम है, इन आवर्स में दिया गया है. तो ये नंबर ऑफ लैंप्स दिए गए हैं, तो 1500 आवर्स से लेकर 2000 आवर्स में कितने बल्ब्स है? 14. तो इस टाइप से टेबल बनाई गई है. आपको इतना इतना डिटेल में जाना ही नहीं, आपसे क्या कहा गया है? फाइंड द मीडियन. तो बल्ब क्या होता है, नियोन क्या होता है, हमें क्या करना है? छोड़ो उसको, हमें फाइंड आउट क्या करना है? मीडियन. और मीडियन का आपको स्टेप पता है. सबसे पहला स्टेप क्या होता है? CF. तो CF फाइंड आउट करिए. कैसे फाइंड आउट करते हैं? 14 ऐड अच्छी तरह करिए. 14 और 56 कितना हो गया आपका? 70. 70 और ये हो गया 130 और 80, 216 और 420, 290 और 6 352 और 352 प्लस 48 400. तो ये देखिए टोटल 400 का था, ये भी हमारा 400 आ गया. स्टेप आपको पता है, क्या करते थे? FI का हाफ. समेशन ऑफ FI कितना आया आपका? 400. इसका हाफ करते हैं, कितना आ गया? 200. और इससे अपर वैल्यू, अपर वैल्यू इससे क्या है? 200 से बड़ी अपर वैल्यू 216. उसको किस में डालते हैं?
रेक्टेंगल में। अब इसके हिसाब से आप मार्किंग करो फटाफट। तो इससे अपर वैल्यू ये क्या बन गई आपकी सी एफ, और इसके सामने वाली वैल्यू क्या बन गई आपकी एफ, और इसके सामने वाले इंटरवल से क्या मिल जाएगा आपको एल। फॉर्मूला याद है आपको, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, मीडियन इज इक्वल टू क्या था एल प्लस समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल कितना है आपका यहाँ पे 3000 प्लस समेशन एफ आई टू कितना आया 200, सी एफ कितना आया 130, एफ कितना है 86, इंटरवल कितना है 500 का। अब इसको सॉल्व करिए 3000 प्लस ये कितना हो गया 70 डिवाइड बाय 86 इनटू में 500। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, डोंट वरी करते हैं। कैलकुलेशन 7 इनटू 5 कितना हो गया 35 और 000 डिवाइड किससे करना है 86 से, किस पे जाएगा 84 पे, करिए डिवाइड 84 से 32 सॉरी 4 6 24 कैरी 2 32 और 4 34 ये कितना हो गया 60, फिर 0 फिर 10। आप 8 8 64 होता है 7 पे करिए इसको 7 6 42 कैरी 4 7 8 56 और 258 ये कितना आ गया आपका 18 फिर 0.2 इसका मतलब 407.2 वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी। तो ये 3000 प्लस 407.2 इसका मतलब आपका 3407.2 आपका आंसर आ गया। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, प्लीज मेक अ नोट। सॉरी वेट अ मिनट, यहां 3406 है, मैं चेक करता हूं कि मिस्टेक क्या हुई। नाउ मेक अ नोट, यहां गलती कर दी कि वेट करने में, यहाँ पे 7 से करते हैं तो 7 6 42 कैरी 4 7 8 56 और 460 तो 602 आएगा। तो ये वैल्यू किस पे जाएगी 6 पे जाएगी आपकी 6 6 36 कैरी 3 6 8 42 48 और 351 क्या वैल्यू आ गई 10 में से, ये आ गया आपका 84 फिर 0। अब ये 84 में क्या था शायद 9 के अप्रोक्सीमेट जाएगा फिर, नहीं तो 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अप्रोक्सीमेट के चलिए 3406.8 या 9 ये आपका आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6, 100 सरनेम्स है। अब उनके जो लेटर्स है सरनेम के वो नंबर ऑफ लेटर्स के बेस पे एक टेबल बनाई गई है और उनके नंबर ऑफ सरनेम्स कितने, मतलब एक से लेके फोर तक, वन से फोर जो लेटर्स है नंबर ऑफ लेटर्स उसके सरनेम्स है 6, फोर लेटर्स से सेवन लेटर्स के बीच में जो सरनेम्स है वो 30। इस टाइप से एक टेबल बनाई गई है और आपसे कहता है पहले मीडियन निकालो, फिर कहता है मीन निकालो, फिर कहता है इसकी मॉडर्न क्लास साइज निकालो। इसको हमें तीनों क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया, वैसे तो ईजी होगा लेकिन लेंथी तो हो ही गया तीनों पार्ट निकालने, लेकिन आपके लिए तो बेनिफिट है, आपकी दोबारे से क्या हो जाएगी एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला इसने क्या कहा है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं हम सी एफ, करिए स्टार्ट। सबसे पहले क्या आएगा 6 6 प्लस 30 36 36 प्लस 40 76 कितना हो गया 82 और 86 और 90। इसका मतलब एफ आई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 90। स्टेप क्या था F5 divided by 2, F5 है 90, तो 90 का हाफ करेंगे कितना आ गया 45। इससे अपर वैल्यू, अपर क्या है इससे 45 से अपर वैल्यू तो क्या है 76 है। अब 76 को सॉरी हमने सर्कल कर दिया, क्या करना होता है इसको रेक्टेंगल, इससे ऊपर क्या मिल जाएगा आपको CF और इसके सामने क्या मिल जाएगा आपको F और इसके सामने जो इंटरवल है उससे क्या मिल जाएगा आपको L। इजी है बिल्कुल,
स्टार्ट करिए, मीडियम का फॉर्मूला क्या था? L प्लस समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी है? 7 है। प्लस एफ आई बाई टू कितना आ गया? 45। माइनस सी एफ कितना आया? 36। एफ कितना है? 40। और एच इंटरवल कितना है? 4 माइनस 1 3। अब सॉल्व करना है, सॉल्व करिए इसको। 45 में 36 माइनस करेंगे 9, ये 40 और ये 3। इसका मतलब 9 से 27 और को डिवाइड करना है किससे? 40 से। तो 0 पॉइंट इस पे जाएगा 6 पे, 24 टू 40 क्या वैल्यू आ गई? 30। फिर 0 किस पे जाएगा? 8 पे, सॉरी 7 पे। तो एंटर 0.67 है, काफी इतना यहां तक निकाल सकते हो। तो सॉल्व करिए, 7 प्लस में 0.67, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 7.67। तो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, सो प्लीज मेक अ नोट। सॉरी डू अ करेक्शन, यहाँ पे एक वैल्यू मैंने गलत लिख दी। यहाँ पे 10 से 13 पे 6 नहीं है, यहाँ पे 16 है। यहाँ पे वैल्यू 16 है, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसको बदबारे करिए, तो मैं इसको एक अलग कर देता हूं क्योंकि यहां से हमने कुछ गलत कर दिया। यहां से भी अलग कर दिया, इसको करते हैं दोबारा से। ये वैल्यू करिए स्टार्ट। ये कितना हो गया था? 6। 6 प्लस 30 36, 36 प्लस 40 76, 76 और 16 कितना हो गया? ये आपका 92। और ये हो गया आपका 96 और ये हो गया आपका 100। तो ये 100 आएगा, 90 नहीं आएगा, ये 100 आएगा। अब मुझे याद भी नहीं रहा कि इसने क्या कहा था स्टार्टिंग में, 100 सरनेम का था, 100 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो 100 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 50। 50 से अपर वैल्यू तो वही रहेगी, 76 ही रहेगी। इसका मतलब ये तो चेंज होगा नहीं, सब चीज सेम ही रहेगी। एल कितना था? 7 प्लस एफ बाई टू 50 हो गया और 36। एफ है आपका 40 इंटू एच है 3। बाकी सब चीज सेम रहा, 7 प्लस इसमें से माइनस करेंगे कितना आ गया? 14 डिवाइड बाई 40 इंटू 3। कट करो इसको टेबल पे, 2 की टेबल पे कट कर दो, छोटा हो सकता है 7 और ये हो गया 20। और तो नहीं कटता, तो ये 21 बाई 20, 21 को 20 से डिवाइड करो, 1 पॉइंट, फिर 0 नहीं जाएगी, फिर 0, फिर 0 5। इसका मतलब 1.05 ये हो गया। तो 7 प्लस 1.05 इसका मतलब 8.05, ये आपका फाइनल आंसर है। सो प्लीज मेक अ नोट। अभी हमने क्या करा है? मीडियन। अब क्या निकालना है? मीन। नाउ लुक एट द बोर्ड। अब आपको क्या निकालना है? मीन। मीन के लिए आपको पता है इंटरवल है, सबसे पहले क्लास मार्क्स निकालनी होगी। करिए सॉल्व इसको। क्लास मार्क्स, क्लास मार्क्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करिए डिवाइड बाय 2, 4 और 1 5, 5 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 2.5। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई आपकी 2.5। ऐसे इसको सॉल्व करिए, 7 प्लस 4 11, 11 बाय 2 कितना हो गया? 5.5। 10 और 17, 17 बाय 2 कितना हो गया? 8.5। इसका मतलब डिफरेंस कितना क्या आ गया? सिर्फ 3 का आ रहा है, तो ऐड करते रहिए, 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 3 3 6 3 6 हो गया। इसके बाद क्या निकालते हैं? 6 वैल्यू है, तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? या तो थर्ड लो या फोर्थ। तो मैं ले लेता हूँ थर्ड, ले लेता हूँ सपोज थर्ड टर्म कौन सी है आपकी? 8.5। इसको क्या मार्क करना है? 0, ये माइनस 1, माइनस 2, ये 1, 2, 3, ये क्या निकल गया आपका? यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी आपकी? एज्यूम मीन। अब उसके बाद टेबल किसके बनानी होती है? एफ आई यू आई की। एफ आई यू आई सॉल्व करिए, 6 इंटू माइनस 2 माइनस 12, 13 इंटू माइनस 1 माइनस 30, ये 0,
16 into 1, 16, 4 into 2, 8, or 4 into 3, 12. प्लस प्लस को ऐड कर लो 12 और 8 20 और ये 36, ये कितना हो गया माइनस के 42, तो कितना रहेगा इन दोनों का रिजल्ट, कितना हो गया 6, नेगेटिव 6। तो ये नेगेटिव 6 क्या है आपका FIUI, तो FIUI आपका आ गया नेगेटिव 6। फॉर्मूला आपको पता है, पुट करो x bar is equal to क्या होता है a plus summation of fi ui divided by fi into h। तो a की वैल्यू कितनी आई आपकी assuming 8.5 plus fi ui आया आपका minus 6, fi का total कितना है 100 into h interval कितना है 3, तो 8.5 ये माइनस 18, तो माइनस 18 बाई 100 कितना हो गया 0.18, तो इसको माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यूज आ गई आपकी आ गई 72 और सॉरी 72 और ये सॉरी 50 था, 50 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये आपका आएगा 32 8.32। ये आपका क्या आ गया मीन, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, प्लीज मेक अ नोट, यस आंसर इज करेक्ट, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, अब आप क्या निकालोगे मोड, मोड के लिए आपको हाईएस्ट वैकेंसी को मार्क करना है, हाईएस्ट वैकेंसी आपने पहले से मार्क करी हुई है कितनी है 40, तीन का ग्रुप बना लिए एफ नॉट एफ वन एफ टू और लोअर लिमिट आपको पता ही है, ये तो सेम वही होंगे क्वेश्चन। मोड का फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच, एल की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एफ वन हो गया आपका 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस 16 इंटू एच, इंटरवल 3 का ये सोल्व करिए 7, 40 में से 30 10 और ये हो गया 80 माइनस 46 इंटू 3, तो 7 प्लस 10 इन बाई 18 माइनस करेंगे कितना आ गया 34 इंटू 3, इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाई 34, तो 0 से डिवाइड करिए 0.9, 36 ये बड़ा हो जाएगा 0.8, तो 8 4 32, उसका मतलब 7 प्लस 0.8, इसका मतलब अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 7.8। ये आपका मॉडल है और आपको क्लास साइज बताना था 7.8, 7.8 कहाँ पर आएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्लास क्या कौन सी होगी आपकी 7 से 10, सो आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, प्लीज मेक अ नोट, आंसर इज करेक्ट, यहाँ पे 7.8 है, एक डिजिट और सोल्व करोगे तो 7.88 ये आपका आंसर है, सो प्लीज मेक अ नोट। सो वी डिड कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है, तो एक क्वेश्चन और है जो आपको खुद ही करना है, मीडियन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आई होप आप कर सकते हो। तो आपने क्या करा, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करी विच ईच एंड एवरी स्टेप, तो ये आपको रियली में वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि इस टाइप की वीडियो डे टू डे बनती रहे, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो आप शेयर करिए सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स को, एरमशील जिन फ्रेंड्स की आपकी लग रहा है कि क्लासेस नहीं लग पा रही है और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी घर बैठ के अपनी पढ़ाई कर सके ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो आई होप वी विल मीट वेरी सून, जब आपका स्कूल ओपन होगा तो वह मीट करेंगे और आपसे और जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे। So thank you once again for watching my video from starting to the end. Thank you once again.